अन्ना कलेक्टर संजय मिश्र के भाजपा समर्थित बयान के बाद राजनीति तेज हो गई है तथा पूर्व विधायक मुकेश नायक ने पबई में कलेक्टर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनका पुतला जलाया। भाजपा सरकार मुर्दाबाद। कलेक्टर हटाओ, जिला बचाओ। कलेक्टर हटाओ, जिला बचाओ। सुरेश बचाओ, सुराज भगाओ। भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी, कोई किसी प्रकार का अधिकार नहीं है कि वो किसी भी पार्टी के पक्ष में किसी प्रकार का संवाद करे। जनता के बीच में केवल विकास कार्यों की बात करना उसके अधिकारों का में आता है। ये जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये बातें कही, ये पूर्णतः न्याय संगत नहीं थी और उन नियमों के आधार पर उनको ये सेवाओं करने का अवसर मिला है, उसका खुला उल्लंघन था। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ गंभीर टिप्पणी की है। मैं आपको ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार का जब भ्रष्टाचारी में क्या इतिहास लिखा जाएगा तो पहले पन्ने पे पन्ना के कलेक्टर संजय मिश्रा का नाम आएगा, क्योंकि इसने जिस तरह से काम किया है भारतीय जनता पार्टी का, एक मैं तो ऐसा शब्द बोलना चाहता हूं, मैं उसको रोक देता हूं, ये कार्यकर्ता कह देता हूं, उससे भी ज्यादा केवल ये चंदा एकत्रित करने वाले व्यक्ति हैं। ये चंदा एकत्रित कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। ऐसे किसी भी इनके कार्य को, कृत्य को हम गंभीर श्रेणी में लेते हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के सख्त निर्देश हैं, उन अधिकारियों को नहीं बख्शा जाएगा जो अधिकारी पक्षपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ हमारे पूरे प्रदेश की जनता, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता सड़क पर उतरेगा और विरोध प्रदर्शन करेगा। आज इसमें हमारी मांग है प्रमुख रूप से कि जिला कलेक्टर है जो उसको 24 घंटे के अंदर हटाया जाए, नहीं तो हम इस आंदोलन को और उग्र रूप देने को तैयार बैठे।